फिल्म की है, अ म्यूजिकल थ्रिलर। तो म्यूजिकल थ्रिलर कैसे होगी, प्लीज डिस्क्राइब। ये म्यूजिकल थ्रिलर इस बात ये है कि जिसका जो म्यूजिक है ये फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी सॉन्ग उठाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये फिल्म की कहानी कह रहा है, एक सिचुएशन बयान करता है उस सॉन्ग से। और अगर ये सॉन्ग इस फिल्म में, नॉर्मली ऐसी फिल्मों में सॉन्ग्स कम होते हैं या नहीं होते हैं जो पेस जो फिल्म का सस्पेंस थ्रिलर का होता है, मगर ये सस्पेंस थ्रिलर साथ रोमांटिक फिल्म भी है। तो एक पेन को बयान करने के लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है म्यूज़िक, एक सिचुएशन बयान करने का। एक हमारे हिंदी फिल्म में तो स्पेशली बहुत सालों से चलते आ रहा है कि म्यूज़िक सबसे अच्छा बयान करता है अपने अंदर की भावनाओं को। तो ये सारे संगीत जो इस फिल्म से हैं, कहते हैं ना कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक म्यूज़िक अगर ऐसा तो नॉर्मल फिल्मों में एक म्यूज़िक बनाना है, इसलिए म्यूज़िक बन रहा है। ये म्यूज़िक इस फिल्म की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत के अनुसार फिल्म में म्यूज़िक बना है। और म्यूज़िक बनाने में भी 1.5 साल हमने लगाए, बहुत ही ज़्यादा। ऐसी बात नहीं कि किसी भी चीज़ को हमने छोड़ दिया इस फिल्म में कि चलो यार फिल्म में ध्यान दे दिया म्यूज़िक तो बन जाएगा, ना। म्यूज़िक में उतना ही ध्यान दिया गया है जितना हमने फिल्म में दिया। और नॉट ओनली प्रशांत नारायण, जितने भी कैरेक्टर्स हमारे फिल्म में, उनको किसी को ये सोचकर हमने नहीं कहा सोचा कि भाई ये छोटा कैरेक्टर है या ये इसका छोटा रोल है, नहीं। उनको वही ट्रीट किया गया जैसे हमने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को किया फिल्म के। उनके साथ भी उतना ही ध्यान दिया गया, उनकी हर बातों को वैसे ही लिया गया जैसे बड़े के साथ हम लेते हैं। राजेश जी, म्यूजिक के अलावा होता है ना जैसे कि बैकग्राउंड स्कोर हो गया, उसके अलावा ग्राफिक्स हो गए, साइको थ्रिलर सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सॉरी पूरा समझ नहीं पाया, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बोलना, आवाज़ थोड़ा कम कर थोड़ी बात। सॉरी जी, हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि साइको थ्रिलर अगर फिल्म हम बनाते हैं तो उसमें ग्राफिक्स, बैकग्राउंड स्कोर, उसकी भी ज़्यादा अहमियत होती है। इन चीज़ों पर आपने कितना ध्यान दिया है? देखिए ग्राफिक्स तो हमने नहीं किया है क्योंकि ग्राफिक्स थोड़ा मुझे जो लोकेशंस चाहिए थे वो लोकेशंस को मैंने, जैसे नॉर्मली हम आजकल VFX या क्रोमा ये सब चीज़ें होती हैं, हमने क्रोमा यूज़ नहीं किया इस फिल्म में। कोशिश की है कि जितना रियल चीज़ें दिखाई जाए फिल्म में। हाँ ना, चलिए VFX थोड़े से यूज़ होते हैं कोई चीज़ आज कुछ हल्के फुल्के चीज़ों के लिए। हमने इनका ये सोच कर ये फिल्म में सोचा था कि हमें कोई भी ऐसे टेक्निक का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं वो लेता हूँ तो मेरी रियलिटी जो सच्चाई इस फिल्म से जुड़ी है वो मार खाती है कहीं ना कहीं। तो लोकेशंस चुने हमने केदारनाथ, जो कि काफ़ी उत्तराखंड में बहुत ऐसी जगह है चोफता बोल के, वहाँ हम गए थे, जो बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ जाना। क्रू को साथ में लेते हुए जिमी जिप लेके जाना, पूरे चीज़ें ताम झाम ले कर, ऐसे ऐसे रास्ते थे। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम एक फिल्म के एक बंगले की ज़रूरत थी मुझे जहाँ चारों तरफ स्नो हो, वो लोकेशन ढूंढने के लिए पहले से रेकी पे गए थे और वो लोकेशन फिक्स हुआ। फिर हम उसे जब हम शूट करने निकले तो पता चला काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है, हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो हमारे सारे क्रू जितने लोग थे, कम से कम 22 से 25 लोग थे उस वक्त, 25 लोगों की टीम, उस हम पैदल चल पड़े, सब सामान हाथ में लेते हुए, कैमरा वगैरह सब हाथ में था। और 5 घंटे हम वो बर्फ पे चले, बर्फ के छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे बन गए थे, थोड़े जो होते ना वो क्या कहते हैं, बर्फ जमा हो चुकी थी रास्तों पे। तो हम बर्फ को हटाते हुए उस पर पैर जमा के इसको ज़्यादा जमाते हुए आके गए। 5 आवर्स की जर्नी थी वहाँ तक पहुँचने की, जब हम अचानक बर्फबारी हो जाती है वहाँ पर, तो ऐसे थे। तो हमने रियल लोकेशंस को काफ़ी एक्सप्लोर किया है। उत्तराखंड के जो कहते हैं देवभूमि जैसी जगह है, तो वाकई वो वाकई जगह ऐसी लगती है वहाँ जाके कि यार वो जगह है कुछ का खास बात। नहीं नहीं, ये फिल्म हम एक फिल्म के हिसाब से फिल्म नहीं बनाए हैं। एक युवा एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस बना है हमारा, जो आगे फिल्में बनाता रहेगा, और अभी इसके बाद भी एक फिल्म डिक्लेयर करने जा रहे हैं हम। फिल्म एक फिल्म के हिसाब से हमने नहीं सोचा है, और स्टोरी है जो हमने मैंने रजिस्टर करा रखी है, इसके बाद उसको काम शुरू करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ इसके बाद मैं रेस्ट नहीं लूँगा, बस फिल्म बनाते रहूँगा। राजेश जी, साइको थ्रिलर फिल्म है, इसके अंदर
एक्सप्रेशंस और इमोशंस काफ़ी अहमियत रखते हैं. तो इसके अंदर जैसे आपने कहा कि दो न्यू कलाकार हैं और एक प्रशांत जी तो मंजे हुए तो हैं, तो मैं जानना चाहूँगा जो दो नए कलाकार हैं उनके आपने उनके टैलेंट्स को आपने किस तरह से निखारा और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया. सही बात है. एक बात होती है कि हमारी फिल्म में बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है. बैकग्राउंड स्कोर हमारी एक कोई भाषा है, एक ज़बान होती है, जिसका मुझे बहुत पहले से बहुत ज़्यादा जानकारी थी मुझे इस मामले में. तो मैं एक्सप्रेशंस भी देखिए, अगर कोई सटल एक्ट करवाता है एक्सप्रेशन सटल होने चाहिए, ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन वाले चेहरे फिर हम उसको म्यूज़िक से कंट्रोल नहीं कर सकते. मैंने सारे कैरेक्टर से इतने नेचुरल और इतने सटल एक्ट करवाए हैं कि बैकग्राउंड ने अपना काम किया उसके बाद. और बैकग्राउंड संजय चौधरी जी ने दिया है. आपने बीच में एक सवाल किया था बैकग्राउंड स्कोर बहुत महत्व रखता है. संजय चौधरी जी ने इसको पहले बेबी जो फिल्म में दिया था, प्रेम रतन धन पायो जी, काफ़ी तो उन्होंने इसका बैकग्राउंड दिया है और उन्होंने बहुत दिल से दिया क्योंकि उनके लिए भी चैलेंजिंग था. उन्होंने कहा कि यार वो फिल्में तो बहुत किया, वो लिए फिल्म में चैलेंज इस बात का है तो बहुत मिक्स एंड मैच पर फिल्म चलती है. बैकग्राउंड को वापस चेंज करना, एक मूड को अचानक बदलना बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए भी, मगर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करके बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड दिया इस फिल्म का. और सारे कैरेक्टर देखिए, एक हम मुझे अगर एज ए डायरेक्टर में सोचूं तो किसी भी कैरेक्टर को पहले हम जांचते हैं परखते हैं कि वो कहाँ तक क्या काम कर सकता है, उस लायक है या नहीं है. ऐसा नहीं कि उसे ले लिया और फिर उसे काम करवा लेंगे, नहीं. पहले मेरे कैरेक्टर के लायक है या नहीं, उसके एक्सप्रेशन चेक होते हैं, उसके हर बातों को हम समझते हैं, फाइनली वो पास होते हैं. देखिए उम्मीद तो मैं सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि एक ऑनेस्ट फिल्म है, बहुत ही मेहनत और बहुत लगन से बनाई हुई फिल्म है. हमने ये नहीं सोचा कि फिल्म से पैसे कमाएंगे, ये करेंगे या बहुत बड़ा. हमने एक अच्छी और सच्ची फिल्म बनाई है जिसके लिए बहुत वक्त दिया है. अच्छा म्यूज़िक, अच्छा लोकेशन, सस्पेंस ऐसा कि आप 2 घंटे तक हिल नहीं सकें, ये मैं आपसे वादा करता हूँ. हर समय आपको एक कुछ नयापन, कुछ तो क्या पूरा ही नयापन है, मगर हर चीज़ में एक नयापन दिखाई देगा. शायद वो आपके मैं कहूँगा कि लोकेशंस में नयापन होगा, डायलॉग्स में पूरे नयापन होंगे, कोई रिपीटेड चीज़ आप बिल्कुल इस फिल्म में नहीं देख पाएंगे. और मैं देखिए फाइनली जनता जनार्दन जनता है, वो उसे पास करेगी. लेकिन भाई मैं भी इसके पहले जनता ही था, पहली फिल्म है, इसलिए फ्रेश आइडिया फ्रेश चीज़ों के साथ आया हूँ. किसी को मैंने फॉलो नहीं किया, किसी फिल्म से कोई चीज़ नहीं ली. तो फ्रेश आइडिया के साथ ही फिल्म आई है, आप ज़रूर देखें और देख के अपनी राय मैं आज जो कह रहा हूँ आप वही कहेंगे. थैंक यू सर.